एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ बना रही हूँ सांभर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर वेजिटेबल लिए, वेजिटेबल को मैंने अच्छे से कट कर लिया। यहाँ मैंने लिए सूजन की फली, कद्दू, हरी मिर्ची, लौकी, प्याज, प्याज ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं, गाजर, जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। साथ ही कड़ी पत्ता, टमाटर और इमली का रस। और यहाँ पे मैंने ली है अरहर की दाल। यहाँ एक बड़ी कटोरी में अरहर की दाल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम अरहर की दाल को चढ़ा देंगे कुकर में। इस तरह से धोकर मैंने अरहर की दाल को कुकर में रख दिया है। अभी एक तरफ मैं दाल चढ़ा दूँगी और दूसरी तरफ हम हमारा सांभर का जो मसाला होता है उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद में यहाँ पर मैंने डाली इसमें राई चटकने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता डालने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज डाले हैं। प्याज अच्छे से हो जाने के बाद हम सारी वेजिटेबल जो है इसके अंदर डाल देंगे। हम सूजन की फली को इसमें अभी नहीं मिक्स करेंगे, हम उसमें बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर अभी से डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही कुक हो जाएगी, इसीलिए हम उसे लास्ट में डालेंगे। तो यहाँ सारी सब्जियाँ मैंने डाल दी हैं। जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए इसके बाद मैंने यहाँ नमक डाल दिया ताकि सब्जियाँ अच्छे तरह से कुक हो जाए। हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी सब्जियाँ थोड़ी पक चुकी है, तो हम इसमें अब मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के साथ ही आप इसे थोड़ा सा ऐसा क्रश करते रहिए ताकि ये जो सारी सब्जियाँ वेजिटेबल है हमारी एक हो जाए। इसके अंदर मैं यहाँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मिक्स कर रही हूँ और इसे अच्छे से चला लेंगे। मसाले डालने के बाद हम इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर इसे और पकाएंगे। देखिए मैंने इसे यहाँ ढक कर रख दिया है और साथ ही साथ हमारी इडली भी हो रही है। इडली के लिए मैंने यहाँ इंस्टेंट मिक्स जो आता है पैकेट वही यूज़ किया है। तो साइड ये हमारी नान हो चुकी है, नान को हम अब मिक्स कर लेंगे। आपको इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, बस हल्के से इस तरह से आप इसे मिक्स कर लिए ताकि जो पूरी पूरी दाल है वो ना दिखे। तो हमने मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो हमारी सारी वेजिटेबल है, देखिए इसमें मैंने सूजन की फली डाल दी है और ये भी अच्छी तरह से कुक हो गई। तो एक सारी जो मसाला है हमारा इसके अंदर हम डाल देंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सांभर इतना गाढ़ा तो होता नहीं है, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना भी हमें ऐड करना है उस हिसाब से हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर सांभर मसाला और इमली का रस डाला है। आप चाहें तो इसकी जगह अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इडली भी हमारे यहाँ रेडी है। चलिए टेस्ट करवाते हैं कैसे बनाए हमारा सांभर और इडली दोनों। सभी का अपना अपना तरीका होता है कोई भी डिश या खाना बनाने का, बस मेन होता है कि उसमें टेस्ट होना चाहिए। तो मैं इसी तरह से सांभर बनाती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।